अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? आज मैं आपको सऊदी अरब में एक खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। तो पहले ऐसा था कि एज आने के लिए पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सऊदी आने के लिए एज जो थी वो 21 साल थी। अभी इन्होंने कम कर दी, अभी एज जो है वो 18 साल कर दी है। इससे बहुत सारे हमारे जो नौजवान है उनको फायदा होगा। वो सऊदी अरब में अगर आना चाहते हैं तो मजीद 3 साल जो है ना वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले मैंने बहुत सारे अपने बांग्लादेशी भाई भी देखे हैं जो कि बांग्लादेश से यहाँ पे आते हैं, उनकी एज जो है ना वो बहुत कम होती है। मैंने ऐसे ऐसे भी लड़के देखे हैं जिनकी उम्र 15 साल या 16 साल होगी, लेकिन वो यहाँ पे आते हैं और मैं इनकी शक्लें देखकर हैरान आ जाता हूँ, यार ये आप कैसा कर लेते हैं? तो वो कहते हैं कि हमारा जो पासपोर्ट है ना वो बांग्लादेश में जल्दी बन जाता है, पैसे दे के बन जाता है। पाकिस्तान में भी बन जाता होगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अभी उन लोगों के लिए ये फायदा हो गया कि अभी वो उनकी एज जैसे 18 साल होगी वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो हमारे अभी जो नौजवान है वो पहले क्या होता था कि इंतजार करते थे कि हमारी एज जो है 21 साल तक होगी तो तभी हम जाएंगे, वरना नहीं जा सकते। वो इंतजार में बैठे रहते थे जिससे नौजवान के ना 3 साल जाया हो जाते थे। अभी ऐसा नहीं होगा, वो टाइम जो है ना वो जाया नहीं होगा। अभी वो 18 साल की एज में आराम से आ सकते हैं, वीजा भी लगेगा इसका और एयरपोर्ट पे भी कोई मुश्किल नहीं होगी, यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये थी आज आप लोगों के लिए खुशखबरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बड़ी मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।